हरी सब्जियां खाने वाले अब जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि जो आंकड़े विभाग की तरफ से बताए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों को देखकर आपकी चिंता होनी भी लाजमी है। हरी सब्जियां खाने वाले भी अब जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि सेहत को दुरुस्त रखने वाली ये हरी सब्जियां इन दिनों खुद बीमारी का कारण बन रही हैं। सिरसा जिले के बागवानी विभाग की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि प्याज, आलू समेत कई हरी सब्जियों में रसायन की मात्रा ज्यादा है, जो आपको बीमार कर सकती है। सब्जियों में यह हानिकारक रसायन कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ रहे हैं। बागवानी विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले साल सिरसा, फतेहाबाद और हिसार से सब्जियों के 500 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 35 सैंपल में कीटनाशक की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। यानी ये सैंपल सेहत और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं इस साल भी 11 जिलों में 440 सैंपल लिए गए थे, जिनमें भिंडी, पालक, प्याज, आलू और फलों में किन्नू के सैंपल फेल पाए गए। कुछ जगहों पर तो ये रसायन धान की फसल में भी ज्यादा मात्रा में मिले हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से धान, सब्जियों और फ्रूट पर कीटनाशकों के प्रभाव की टेस्टिंग के लिए सिरसा और घरौंडा में लैब बनाई गई है। दोनों लैब को 11-11 जिले दिए गए हैं, जहां से कृषि विभाग के अधिकारी सैंपल जमा करते हैं और उसमें कीटनाशक की मात्रा को जांचा परखा जाता है। अहम बात यह है कि इस लैब में टेस्टिंग बिल्कुल फ्री है। फसलों के सैंपल फेल आने पर विभाग के कर्मचारी किसानों को कीटनाशकों के कम से कम प्रयोग के लिए जागरूक भी करते हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि फसल की पैदावार के दौरान कीटनाशक का इस्तेमाल कम करें, ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो।